तो हेलो एवरीवन, आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज है चौपक्या का मेला और जो हमारे साथी है उनका फोन आया था, कह रहे थे चौपक्या के मेले में हो रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम। तो आज चौपक्या के मेले में हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पिथौरागढ़ का जो चौपक्या का मेला है, प्रसिद्ध मेला, किस तरह के रंगारंग कार्यक्रम है, कितनी भीड़ उमड़ रखी है और कौन कौन से चीज़ें आइटम हमें वहाँ मिलेंगे देखने को। दोस्तों वीडियो अच्छी रहेगी इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। फिलहाल तो अभी मैं गाड़ी में हूँ, कहीं अभी जा रहा हूँ मैं पिथौरागढ़ को, और बाकी ऐसा हिसाब है कि साथ वाले भी आने वाले हैं, पता नहीं पहले ना पहुँच गए हैं वो। देखो जैसा भी प्रोग्राम होता है आपको, अब मैं मिलूँगा जब मेरे साथी आ जाएंगे पिथौरागढ़ चौपक्या का मेले में। फिलहाल अभी मैं जा ही रहा हूँ और इसके बाद सीधे मिलते हैं आपसे चौपक्या के मेले में अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों फिलहाल तो मैं पहुंच गया हूँ पिथौरागढ़ और अब ये वड्डा वाली रोड में जा रहा हूँ मैं आगे। अभी मैं अकेला ही हूँ, चंदन भाई है साथ में, मतलब वो मेले में पहुँच गया है पहले से। वैसे तो मेरा मन नहीं था यहाँ जाने का आज, पता नहीं मन जैसा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर चंदन भाई ने कहा चल, तो फिर मैं ज़बरदस्ती चली गया, जा ही रहा हूँ अभी। अभी देखो क्या होता है, मन जैसा तो नहीं है। फिलहाल दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, मेरे साथ आ गए हैं चंदन भाई। चंदन भाई तो आज कहाँ है विचार जाने का? आज हम जा रहे हैं चौपक्या के मेले में। कुछ है शॉपिंग करने का वहाँ विचार? ना, शॉपिंग नहीं करनी है सर। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है इस क्षेत्र का, यहाँ पिथौरागढ़ से लेके इस रोड के जितने भी आसपास के गाँव हैं, चाहे इधर बढ़ावे वाली रोड हो, ये बटारी वाली रोड हो, चाहे पीछे झूला घाट रोड हो या मुनाकोट से ऊपर की रोड हो, सारे सब क्षेत्र के ग्रामवासी सब यहाँ आते हैं, इस मेले में एकत्र होते हैं। इसके अलावा वड्डा मार्केट और पिथौरागढ़ के भी काफ़ी लोग इधर आते हैं, तो काफ़ी रस आपको देखने को मिलेगा। शॉर्टकट होगा शायद मुसलमानों मेले से भी ज़्यादा रस आपको इधर देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से शॉर्टकट ना, हम आपको अभी दिखाते हैं मेला कितना बड़ा है और कितनी भीड़ है यहाँ, किस किस प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं। हम पहुंच चुके हैं चौपक्या मंदिर है यहाँ जहाँ मेला लगता है, देख सकते हैं भी। आखिरकार दोस्तों जो चौपक्या मेला है वहाँ हम पहुंच चुके हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ कि क्या ही बताऊँ। चौपक्या मेले में दोस्तों चौमू बाबा की पूजा की जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो चौमू बाबा हैं दोस्तों, उनको पशुओं के रक्षक के रूप में माना जाता है। चौपक्या मेले में चौमू बाबा का डोला भी उठता है जो कि हमारे जाने से पहले ही उठ चुका था, क्योंकि हम गए थे काफ़ी देर से और सुबह ही मेले का उद्घाटन हो गया था। इस मेले में दोस्तों हमें बहुत सारे दुकानें देखने को मिली हैं। आप भी दोस्तों अगर इस मेले में कभी आना चाहते हो तो पिथौरागढ़ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे एक जगह पड़ती है वड्डा, वहीं से आगे दोस्तों एक जगह है, ये मंदिर है चौपक्या, कोई भी बता देगा वहाँ पर, वहीं ये मेला लगता है, यहीं उद्घाटन किया जाता है मेले का प्रत्येक वर्ष। इस मेले में दोस्तों जो मंदिर है चौपक्या मंदिर, उसका काफ़ी बड़ा विशाल परिसर है, चारों तरफ काफ़ी हरे भरे वृक्ष हैं। इन वृक्षों के कारण ही हमें यहाँ पे इतनी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, अन्यथा दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वृक्ष में खड़े रह पाना काफ़ी मुश्किल सा लगने लगा था। इस भीड़ के दौरान दोस्तों हमें यहाँ पे काफ़ी दुकानें दिखी जहाँ महिलाएँ तथा पुरुष अपने लिए काफ़ी शॉपिंग कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मेन मंदिर है अंदर चौपक्या मंदिर, वहाँ काफ़ी बुजुर्ग महिलाएँ भी
अपने जो हमारे पहाड़ों में घोड़ा चांचरी होती है उसका खेल से अपना काफ़ी मनोरंजन कर रही थी। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के झूले भी हमें यहाँ देखने को मिले। तो दोस्तों जो आसपास के जो गांव हैं यहाँ जैसे वड्डा मुन्नाकोट नीला घाट बौड़ी घाट इस तरह के आसपास बहुत सारे गांव हैं जहाँ से हर आदमी गांव से काफ़ी लोग इस मेले में प्रत्येक वर्ष आते हैं चौपटिया मेले में और अपने परिवार के साथ मेले का आनंद भी उठाते हैं और चौमू बाबा का आशीर्वाद भी लेते हैं। तो आप भी दोस्तों यहाँ आइएगा, प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के समय मेला लगता है। बाकी जो मेले का परिसर है, जो ये मंदिर का परिसर है, विशाल होने के साथ साथ साफ सफाई का भी यहाँ काफ़ी चीज़ ध्यान दिया गया है। तो अगर आप कभी आते हैं तो साफ सफाई का आप भी ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों आज तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा अच्छे से, वो मेले में जाके मज़ा तो कुछ आया नहीं मुझे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्या बताऊँ। लेकिन हमारे चंदन भाई ने ढेर सारे मजे किए वहाँ। बताइए चंदन भाई कैसा लगा आपको मेले में जाके? हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम पहले से आते रहे हैं इन मेलों में और मेलों को इन्जॉय करने के कुछ तरीके हैं और हिमांशु भाई जो हैं ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं, ये हमारा क्षेत्र माना जाता है, ये तो अल्मोड़िया हुए तो इसलिए हमने ज़्यादा आनंद लिया है। और भीड़ भाड़ थी, मतलब क्राउड बहुत है क्योंकि मैंने पहले से कहा था आपको बहुत सारे गांव जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से, इसके कारण वहाँ जो है क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए जो इन्जॉय करना चाहते हैं जिनको ऐसा पसंद है वो लोग आ सकते हैं, वहाँ शॉपिंग के लिए भी काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं वहाँ। और अब ये मेला भी केवल एक दिन के लिए होता है, जैसे आज हुआ तो अब नेक्स्ट ईयर ही होगा इस टाइम पे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपकी जब भी नवरात्रि ये लगती है, इसकी नवमी होती है उस दौरान ये मेला लगता है और एक बार दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। जो चौमू बाबा का जो डोला उठता है वहाँ ये सब देखने के लिए वो बढ़िया होता है और थोड़ा बहुत आप आसपास की चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है दोस्तों भगवान के दर्शन करने में यहाँ पहुँचा, नहीं तो भीड़ भड़कके से तो मुझे एलर्जी होती है, मज़ा नहीं आता है क्योंकि मैं हूँ एकांतवास पसंद करने वाला व्यक्ति। और इसके अलावा फ़िलहाल तो चलो जो भी रहा अच्छे से आज का दिन भी हमारा गुजर गया है, इसके बाद देखो हम कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, कुछ खाने का भी है प्रोग्राम, गर्म भी आज काफ़ी है, देखो आगे आगे होता है क्या। तो दोस्तों मैं अभी घर पहुंच गया हूं, अब इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करता हूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूं, गर्म भी आज बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। बाय, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।